हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्माइल 3.0 क्लास 6 भूगोल का भूगोल वर्कशीट का फुल सलूशन। दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट 13 सितंबर 2021 की है। गलती से यहाँ पर 10 तारीख छप गई है। दोस्तों, यहाँ इसमें अध्याय दूसरा दिया हुआ ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देशांतर किससे कहते हैं, ग्लोब पर इनका निरूपण हमें किस प्रकार से मिलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, देशांतर रेखाओं की विशेषताएँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, ग्रिड किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा का मान कितना होता है, प्रमुख व्यामोत्तर का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, समझाएं। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया हुआ, स्थानीय समय एवं मानक समय को परिभाषित कीजिए एवं भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर द्वारा निर्धारित होता है तथा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते। पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के समांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने पर विपू रेखा व अन्य अक्षांश रेखाओं के लंबवत होती हैं, देशांतर रेखाएं अथवा देशांतरीय या मोत्तर कहलाती हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें कुछ बिंदु और संदर्भों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं से बताते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दिया हुआ है। दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका आंसर दिया हुआ है। दोस्तों, जल्दी से नोट 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 400 400 व्हाट्सएप सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT GE NEET CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये आंसर दिया हुआ, ग्रिड कैसे कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर यहाँ पर दिया हुआ, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर चौथे का यहाँ पर आंसर दिया हुआ, इसे भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर, दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।